नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। और आज हम बात करेंगे जो इस समय मुद्दा चल रहा है, ताजमहल का रहस्य। एक व्यक्ति ने ताजमहल के ऊपर याचिका डाली है हाई कोर्ट में कि 22 कमरे उसके खोले जाएं। ये 22 कमरे क्यों खोले जाएं? उसको शक है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति जो विदेशी आक्रांता हैं, आक्रमण हैं, आक्रमणकारी हैं, उन्होंने जो मंदिरों पर आक्रमण किए और उनके ऊपर अपने मकबरे मस्जिदें तैयार की, तो उसको ये लगता है, ये शक है कि कहीं ताजमहल के नीचे भी मंदिर ना हो। और इस बात की भी बहुत बार आवाज़ उठ चुकी है कि पहले इसमें शिव मंदिर था या क्या था, या तेजो महाले के नाम से जाना जाता था। तो ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति ने सोचकर हाई कोर्ट में याचिका डाली है। और मैं बता दूं कि आज से 83 वर्ष पूर्व 1934 में कहा जाता है कि वो ताले खोले गए थे और उनका रहस्य अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। और आज उसकी सुनवाई भी हुई है। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक सबूत मौजूद हैं। सुन रहे ना आप, 700 से अधिक सबूत। ताजमहल के पहले जो ताजमहल था उसको पहले तेजो महले के नाम से जाना जाता था, जो मैंने अभी आपको बताया था। वर्तमान में ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसको दोबारा बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। यह महल राजा मान सिंह का था। ताजमहल का निर्माण राजा परमरी देव के शासनकाल में 1155 अश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ था। यह 3 गुंबदों वाला महल था। ध्वंस और रिकंस्ट्रक्शन के बाद यह एक गुंबद वाला ही रह गया। यह 3 गुंबद वाला एक महल था जहां आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके इसे मात्र एक गुंबद वाला महल ही छोड़ा। और लोगों का कहना यह भी है कि शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है, तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। ये भी एक रहस्य है। लोगों का ये भी कहना है, ताजमहल एक 7 मंजिला भवन है। शहजादे औरंगजेब के शाहजहां को लिखे पत्र में भी इस बात का विवरण है। भवन की 4 मंजिलें संगमरमर पत्थरों से बनी हैं। आपने देखा होगा पूरा ताजमहल संगमरमर के पत्थरों से बना है, जिनमें चबूतरे के ऊपर विशाल वृत्तीय मुख्य कक्ष और तहखाने का कक्ष भी शामिल है। मध्य में 2 मंजिलें और जिनमें 12 से 15 विशाल कक्ष हैं। संगमरमर की इन 4 मंजिलों के नीचे लाल पत्थरों से बनी 2 और मंजिल हैं, जो कि पिछवाड़े में नदी के तट तक चली जाती हैं। आपने देखा होगा कि ताजमहल के पीछे एक नदी जा रही है, वो उसके निकट तक जाते हैं। 7वीं मंजिल अवश्य ही नदी तट से लगी भूमि के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्राचीन हिंदू भवनों में भूमिगत मंजिल हुआ करती है। 4थी बात जो लोग कहते हैं, नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिनके झरोखों को शाहजहां ने चुनवा दिया। इन कमरों को, जिन्हें की शाहजहां ने अति गोपनीय बना दिया है, भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है। आखिर क्या कारण है, ये भी पूछा जाना चाहिए। सामान्य दर्शनार्थियों को उनके विषय में अंधेरे में रखा जाता रहा। इन 22 कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित हैं। इन कमरों में लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारे के दोनों सिरे में एक एक दरवाजे बने हुए हैं। इन दोनों दरवाजों को इस प्रकार से आकर्षक रूप से ईंटों और गारों से चुनवा दिया गया है कि वे दीवार जैसे प्रतीत हों। नंबर 5 पॉइंट ये है
कि स्पष्टतः मूल रूप से शाहजहां द्वारा चुनवाए गए इन दरवाजों को कई बार खुलवाया और फिर से चुनवाया गया है। कहते हैं कि सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने चुनवाए हुए दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दरार से झांक कर देखा, उसके भीतर ह्यूज हॉल और वहां के दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वहां बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था जिसका सिर कटा हुआ था और उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियों का जमावड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर संस्कृत के शिलालेख भी हों। संस्कृत जो हमारी प्राचीन संस्कृति है और भाषा भी है और प्राचीन परंपरा भी है। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर संस्कृत के शिलालेख भी हों, यह सुनिश्चित करने के लिए ताजमहल हिंदू चित्र, संस्कृत शिलालेख, धार्मिक लेख, सिक्के तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे कौन कौन से साक्ष्य छुपे हुए हैं, उसकी सातों मंजिलों को खोलकर साफ सफाई कराने की नितांत आवश्यकता की मांग की जा रही है। अब हम बात करते हैं कि विदेशी लोगों का इस पर क्या कहना है। फ्रांसीसी यात्री वेनियर ने लिखा है कि ताज के निचले रहस्यमय कक्षों में गैर मुस्लिमों को जाने की इजाजत नहीं थी। समझ रहे ना आप, जब शाहजहां ने इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया होगा तो उसने हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति या शिवलिंग का पता ना चले, इस वजह से वहाँ पे जो गैर मुस्लिम हैं यानी कि हिंदू हैं या और कोई भी अन्य धर्म से ताल्लुक़ रखता है तो उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वहाँ चौंधिया देने वाली वस्तुएँ थीं। यदि वे शाहजहां ने खुद ही रखवाई होती तो वह जनता के सामने उनका प्रदर्शन गौरव के साथ करता, कहीं ना कहीं उसने कायरता का परिचय दिया। परंतु वे लूटी हुई वस्तुएं थीं और शाहजहां उन्हें अपने खजाने में ले जाना चाहता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि कोई उन्हें देखे। नदी के पीछे में हिंदू बस्तियां, बहुत से हिंदू प्राचीन घाट और प्राचीन हिंदू शवदाह गृह हैं। यदि शाहजहां ने ताज को बनवाया होता तो इन सबको नष्ट कर दिया गया होता। तो ये थी ताजमहल के 22 कमरों का रहस्य, क्यों आखिर इन 22 कमरों पर ताला लगाया गया है और 83 साल पहले जब ताला खोला गया था तो उनके पीछे क्या रहस्य थे, क्या नहीं थे। तो अब हम भी अपने चैनल के माध्यम से यह हाई कोर्ट से आग्रह करते हैं कि जो भी फैसला आए वो पक्ष में आए और उन 22 कमरों को जल्दी से जल्दी खोला जाए, जिससे इसका रहस्य हो कि ताजमहल में क्या क्या चीज़ें जो हैं पुरानी या प्राचीन परंपरा से जुड़ी हुई अभी तक रखी हुई हैं, या शिवलिंग है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी मिलनी चाहिए हमारे भारत देश को। तो इसी के साथ आप देखते रहिए हमारा चैनल एक संदेश, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और लाइक अवश्य करें। यदि वीडियो पसंद आती है तो शेयर